हर वार्ड कुछ कहता है का हमारा आज का सफर आ गया है वार्ड नंबर 3 में। वार्ड नंबर 3 सीकर रोड से उल्टे हाथ का हिस्सा जिसे मुरलीपुरा कहा जाता है, और मुरलीपुरा से लेकर दिल्ली अजमेर बाईपास के नीचे तक का हिस्सा, पूरा हिस्सा वार्ड नंबर 3 में आता है। वार्ड नंबर 3 में अधिकांश नई बसी हुई कॉलोनियां हैं जिनकी बसावट आज से महज 10-15 साल पहले हुई है, और जिस समय अभी हम खड़े हैं ये है दादी का फाटक ओवरब्रिज, जिसका उद्घाटन अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, और इसके नीचे का हिस्सा भी वार्ड नंबर 3 में आता है। वार्ड नंबर 3 में पिछली बार यहाँ से पार्षद बने थे सुशील शर्मा, और वो निर्दलीय के रूप में यहाँ से चुनाव जीते थे। तो आज हम आपको लेके चलते हैं वार्ड नंबर 3 के सफर पर। वार्ड नंबर 3 में घूमते हुए मुरलीपुरा में ही हम एक जगह पर आए। बोर्ड लगा हुआ था मंदिर मस्जिद मार्ग, इस जगह पर हम रुक गए। एक बाजार सा भी यहाँ आसपास है और कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। मस्जिद मंदिर मार्ग, आखिर आप लोगों ने ये नाम दिया है? जी। अच्छा, कारण क्या है? क्या एक ही रास्ते पे मंदिर और मस्जिद है? हाँ, दोनों आमने सामने ही है, इसलिए मंदिर मस्जिद मार्ग दिया इसको नाम। तो क्या सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल? हाँ, ये एकदम बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सब प्रेम भाईचारे से रहते हैं। अच्छा, मैं जब इस बाजार में घूम रहा था एक चीज़ देखी, बड़ा कंजस्टेड सी गलियाँ हैं, आखिर मूल रूप से यहाँ समस्याएँ क्या रहती हैं? देखो, पहले तो थी समस्याएँ, अब हमारे सुशील जी जब से पार्षद साहब बने उसके बाद में काफ़ी समस्याओं का निवारण हुआ है, तो अभी तो फिलहाल तो कोई ऐसी खास समस्या है नहीं। हॉस्पिटल की थी पहले, डिस्पेंसरी थी छोटी, अब वो भी दूसरी जगह चला गया, बड़ा हॉस्पिटल बन गया है, वो भी उनके प्रयासों से हुआ है, वैसे अभी कोई मूल रूप से कोई समस्या नहीं है। क्या सफाई आपको लगता है एक समस्या है? सफाई भी कोई खास समस्या वाली बात तो नहीं है, जो ये गली मोहल्ला काटा गया था, कॉलोनी काटी गई थी शुरू में ही, तो अब तो उसका कुछ तो हो नहीं सकता समाधान। गलियां वगैरह वैसे थोड़ी तंग हैं। अतिक्रमण इसका कारण है, एनक्रोचमेंट इसका स्टार्टिंग में जो काटी गई कॉलोनी है, तो उस टाइम उन्होंने सोचना था। क्या आपको लगता है कि वार्ड का जो पार्षद होता है वो एक अहम आदमी होता है? अहम इसलिए होता है कि लोग उसके संपर्क में रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि पार्षद संपर्क में रहते हैं? हाँ, हमेशा वो तो रहते हैं सर, जब भी बुलाए जब भी वो तैयार रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई भी समस्या होती है तो पहले आके खड़े हो जाते हैं। पहले आप जाते किसके पास हो? समस्या होती है तो सबसे पहले किसके पास? पार्षद के पास जाते हैं। क्या जवाब मिलता है आप लोग? वो हाँ ठीक है, आ रहे हैं, करके देंगे। पार्षद आते हैं 24 घंटे हमारे साथ ही रहते हैं। जहाँ आप खड़े हुए हैं एक बोर्ड भी देख रहा हूँ मैं, ये किसी डायरेक्टरी का विमोचन हो रहा है। जी जी जी। क्या है ये? क्या है ये? हमारी पूरी मुरलीपुरा स्कीम जो आसपास की कॉलोनी है उसमें बाकायदा एक डायरेक्टरी छपवाई थी, और उसमें हर आदमी का टेलीफोन नंबर, नाम, एड्रेस सब कुछ उसमें बाकायदा लिखा हुआ है, तो वो एक जानकारी है, किसी भी अनजान बंदा अगर कोई आता है तो उसके लिए भी है, जैसे जगह जगह ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं तो वो सही जगह पहुँच सके टाइमली, इस वजह से लगाया गया है। अच्छा, ये किसने लगवाया? सरकार ने लगवाया? नहीं, सुशील जी ने लगवाया। अच्छा, पार्षद ने लगवाया ये। अच्छा, इस डायरेक्टरी का कभी कभी फ़ायदा नज़र आता है? मैं होल्डिंग तो देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, एक दूसरे संपर्क के लिए उसमें तुरंत नंबर वगैरह देख लेते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। चलिए, एक बात जो हम पूरे जयपुर शहर में चाहते थे, या सब जयपुर शहर में चाहते हैं, कि हर जगह पर कम से कम वेरिफिकेशन हो, लोग आसपास में जाने। ये शायद कोशिश पहले पुलिस ने की होगी, वो रंग नहीं लाई, लेकिन कम से कम इतना है कि इस क्षेत्र ने खुद की एक डायरेक्टरी बनाई है। समस्याओं के लिए लोग अभी नहीं कह रहे हो, क्योंकि इनका एक कहना है, हम बार बार कह रहे हैं कि जयपुर शहर में जब घूमते हैं तो हमको बहुत मिलता है शिकायतें, लेकिन यहाँ लोगों की शिकायतें कम, सुझाव ज़्यादा हैं। आइए चलते हैं वार्ड के और सफर पर। वार्ड नंबर 3 में घूमते हुए अब हम जिस जगह पर आए हैं वो एक सर्किल है, और सर्किल के पास में इस जगह को कहते हैं धदीची नगर, और इसके पास में एक चाय की दुकान है। यहाँ पर रहने वाले बहुत सारे लोग दिन में हमें यहाँ चाय की दुकान पर दिखे,
थोड़ी बातचीत इनके साथ और फिर इस सफर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले इन लोगों के साथ बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? कैलाश। कैलाश जी, आप यहाँ कब से रह रहे हो? मैं तो 15 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, जिन 15 सालों में कई मरतबा आपने वोट दिया होगा, कई बार आपको ये कहा होगा कि आपका क्षेत्र उन्नत हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, और आप इस आधार पर वोट देते हो, क्या हालत है? हालात तो ये हैं कि ये कचरा वचरा सब पड़े रहता है और लाइटें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, कचरा पड़ा रहता है, क्या ये हमेशा ही ऐसे हालात रहते हैं? क्या नाम है आपका? नाम बताओ। श्यामलाल। श्यामलाल जी, हालात आपके पीछे भी देख रहा हूँ मैं, आपके पीछे भी जो हालात हैं वहाँ कचरा पड़ा है डिपो पे, क्या क्या सफाई कर्मचारी नहीं आता, क्या पार्षद को कहते हैं? कर्मचारी आते हैं तो बस वो कचरा जगह जगह देख करके चल जाते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। गाड़ी आती है तो उठा के नहीं लेके जाती है, और उनको कहते हैं तो उठा ले जाएंगे, ये ध्यान रखें। तो इन 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 कामों के लिए पार्षद को नहीं कहते आप? अच्छा, पार्षद सुनाई नहीं करता तो हम क्या करेंगे? कह के किसी से कहवाए तो वो क्या करते हैं, हाँ कल आएगी गाड़ी, कल सफाई कर जाएगी, कल ऐसा काम कर जाएगी, नहीं करेगी फिर कौन किसको बोलेंगे? अब मैं बहुत लोगों से बात कर रहा, लोग आपके यहाँ पर एक बात तो कहते हैं, काम हो या नहीं हो लेकिन पार्षद सुन तो लेता है, सभी की सुनता है वो तो। लेकिन काम काम तो कहाँ होता है? हाँ, यस यस कर लेता, हो जाएगा। अच्छा, क्या बड़े काम है ऐसे जो आपको लगता है होने चाहिए थे नहीं हुए? अभी तो कुछ नहीं हुआ। आपका क्या नाम है? नानू राम यादव। नानू राम जी, एक बार बताओ ऐसे कौन से काम आप लोगों को लगता है जो होने चाहिए थे और नहीं हुए? होने चाहिए बिल्कुल साफ सफाई रहनी चाहिए, सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि साफ सफाई नहीं रहती है। इधर ये अपने रोड का है, बाईपास का कट, उसको बनवाना चाहिए जल्दी, क्योंकि आए दिन यहाँ पे वो होते हैं, दुर्घटना होती है, और बहुत से हैं। इधर रोड चौड़ी होनी चाहिए, बहुत से काम ऐसे। अच्छा, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे कौन से काम हैं जो आप चाहते थे कि इन 5 सालों में हो जाए और हो नहीं पाए? ये तो ये रोडों के लाइट, रोड लाइट, ये बस यही है। अच्छा, आपको लगता है कि ये काम ऐसे काम है जो पार्षद के लेवल पर ही हो सकते हैं? हाँ, ये रोड के लिए लाइटों की तो पार्षद के लेवल पे ही होती है। पार्षद करना नहीं चाहता या करवाता नहीं है? वो करवाते नहीं जी, लोग बाग नहीं करवाते हैं, कहते हैं तो सुनता नहीं है कोई किसी से। पार्षद के अलावा ही बहुत सारे लोग हैं, एमएलए भी जिताते होंगे, एमपी भी जिताया है आपने? हाँ, जिताए सभी, लेकिन वो आश्वासन दे के ही बस हो जाएगा ऐसे ही बोलते हैं। आपको क्या लगता है, सिर्फ आश्वासन ही है और क्या है? आते नहीं है बस, कोई नहीं, किसी की सुनाई होती है, सुनाई हो जाती है तो फिर काम नहीं होता है, ये होता है। तो कुल मिलाकर काम, सुनवाई और जिम्मेदारी, ये तीन चीज़ लोग चाहते हैं। अब मुझे लगता है खुशबू इसलिए आ रही है कि चाय भी बन गई, उनको हम पहले हम उनको यहाँ बुला लेते हैं, उनका 2 मिनट, क्योंकि अब हमको चाय पिलाने वाले हैं और इन्होंने चाय बना ली है। सतीश जी, कब से यहाँ दुकान है आपकी? 7-8 साल से। 7-8 साल से। अच्छा, ये सब लोग बड़ी शिकायतें कर रहे हैं कि काम जो इस इलाके में होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, ये जिम्मेदार कहते हैं, पार्षद भी जिम्मेदार है, बातें कर जाते हैं, काम नहीं होता। ये तो सही है, सही बात है। तो आप लोग कहते नहीं हो क्या? कहते, कहने से सुनने वाला भी तो होना चाहिए ना, सुनाई भी तो होनी चाहिए ना उसी चीज़। अच्छा, हाँ। अच्छा, आपकी दुकान तो ऐसी दुकान है ना जहाँ सब लोग बैठते होंगे और बैठ के खूब सारी राजनीति की बातें भी यहीं शुरू होती हैं, लेकिन इतना अपन ध्यान नहीं दे पाते, इतना समय नहीं मिलता है जो उनकी बातों में रुचि लूँ मैं। नहीं, फिर भी लगता होगा ना, लोगों के मन में शिकायतें खूब हैं। शिकायतें हैं तो, लेकिन वो शिकायतें तो वो आपस में शेयर कर लेते हैं ना। अच्छा, यही आपकी चाय के साथ शिकायतों को शेयर कर लेते हैं। पूरे हिंदुस्तान की जो एक तस्वीर, चाय के प्याले के साथ राजनीति शुरू होती है, और यहाँ पर भी काफ़ी सारी शिकायतें लोगों ने हमसे की है। वार्ड की 2 अलग तस्वीरें हैं, दोनों तस्वीरों को हमने आपको दिखाया है, और भी करेंगे, यहाँ का सफ़र जारी रखेंगे। वार्ड नंबर 3 में घूमते हुए हम इस जगह पर पहुंचे, मुरलीपुरा में। तो हमको दिखाई दिया एक हॉस्पिटल,
और जब हमने यहाँ पर लोगों से पूछताछ की तो हमें पता चला कि लगभग इस अस्पताल को बने हुए 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, 1.5 से 2 साल, और यहाँ पर लोकार्पण की पट्टी भी लगा दी गई है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जयपुर विकास प्राधिकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुरलीपुरा का लोकार्पण श्री महेश जोशी माननीय सांसद 2 अक्टूबर 2013, यानी तकरीबन 1 साल पहले इसका लोकार्पण हो चुका। लेकिन हालात ये है कि ये आज भी बंद है और यहाँ के लोगों की एक बड़ी ज़रूरत है ये अस्पताल, और ये अस्पताल सिर्फ यहाँ राजनीति में अटका हुआ है। हम बात करते हैं, पहले आपसे ही पूछते हैं, क्या लोगों की कितनी ज़रूरत है इस अस्पताल? नहीं, इस अस्पताल की लोगों को बहुत ही ज़रूरत है। यहाँ से कांवटिया हॉस्पिटल, SMS हॉस्पिटल काफ़ी दूर पड़ता है। कोई भी माता है, बहन है, वृद्ध नागरिक है, जो जिसको तत्काल चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता होनी चाहिए, उनको मतलब बहुत ही कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये अस्पताल इतनी, जब ये कह रहे हैं कि बहुत, क्योंकि पूरे इलाके में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, है नहीं। इसलिए आखिर ये अटक क्यों रहा है फिर? 1 साल पहले लोकार्पण हो गया और लोगों को तो इंतजार होगा, और हॉस्पिटल में आज भी ताले। इसको पता नहीं चलता है कि ये नेतागिरी के रूप में वो कोई किसका और कोई किसका करते रहते हैं और इसको काम में चालू करते हैं नहीं। अच्छा, यहाँ के जो पार्षद हैं, हमने उनसे बात की थी तो वो कहते हैं कि मैंने बहुत प्रयास किया है। बिल्कुल किया है उन्होंने, बहुत प्रयास किया है, और यहाँ तो अत्यंत आवश्यकता है, और अगर नहीं खुलता है तो इसको या तो बंद ही करवा दिया तो हमेशा के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा, और अगर खोलना चाहे, जिम्मेदार कौन है? अगर नहीं, 1.5 साल से आप लोग 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, पहले बना तब आपको इंतजार था, अब आपको इंतजार है, खुलने की आवश्यकता है? खुल नहीं रहा, कारण क्या है, कौन अटका रहा है? ये तो नेताओं के बीच में अटका हुआ है। अच्छा, आम लोगों को इस बात की तकलीफ नहीं है कि उनका पैसा है, ये आपका पैसा है जो इसमें लगा है? अच्छा, पैसा तो सरकारी लगा है। सरकार का पैसा आपका ही पैसा है? हमारा ही पैसा है एक तरह का, पर बच्चों को लेकर परेशान होने पड़ती, हम बूढ़े आदमी कहाँ जाएं, और यहाँ पे कोई साधन नहीं है ना, कोई वो काम क्या है ऐसा, में इतनी दूर कहाँ से जाएंगे हम गरीब आदमी, इसलिए हमारे लिए तो बहुत बढ़िया सहूलत हो गई थी। आपके पास वोट मांगने तो आए होंगे? आए थे। तब आपने नहीं पूछा कि हमारे अस्पताल का क्या हुआ? तो वो उस वक्त काम चल रहा था और इसलिए हमने सोचा भाई काम चल रहा है, काम पूरा हो गया था। हाँ। 2 अक्टूबर यानी 1 साल पहले तो पट्टी लग गई थी, चालू होने की थी। हाँ। पट्टी लग चुकी थी, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि भाई आज आएंगे तो वो खुद इसको खुलवाएंगे। क्या उद्घाटन की राजनीति में अटक गया? नहीं, उद्घाटन की राजनीति भी हो सकती है, कुछ मतलब जो रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट की वजह से भी हो सकता है कि JDA ने मतलब ऐसा कोई प्रपत्र देना था गवर्नमेंट को कि भाई ये जमीन है वो JDA के मतलब सुपुर्द कर दी गई है, तो ऐसी वजह से मतलब ये अटका हुआ था। आपका क्या नाम है? मेरा नितिन है। नितिन, आप भी यहीं रहते हो? हाँ सर। अच्छा नितिन, ये सब लोगों से मेरी बात हुई, बड़े नाराज हैं, ये हॉस्पिटल खुल जाता तो फायदा होता। मैं इन सब से सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे भी पूछूंगा, वोट दिया है इस बार? वोट दिया है। अच्छा, तुम सवाल नहीं पूछते जब वोट देते हो लोगों से, इन लोगों से जो नेता मांगने आते हैं हम सोने की सड़कें बना देंगे? और नहीं सर, वो तो आपको पता है, नेता तो सब बड़े बड़े वादे ही करके रह जाते हैं। यहाँ के पार्षद भी कह रहे थे कि मैंने बहुत काम, पार्षद सर ने तो किया है, अभी कल भी जैसे वसुंधरा जी ने उसका आरओबी का दादी का फाटक उद्घाटन किया है, उससे पहले भी उन्होंने डिमांड रखी है पार्षद जी ने। अच्छा, आपको पता है, आपको पता है सबसे पहली कड़ी कौन सी होती है पकड़ने वाली, जिसको सबसे पहले लोग जाके परेशान करते हैं? पार्षद ही, पार्षद को करते हैं और क्या। तो क्या पार्षद काम करते हैं? पार्षद यहाँ 3 नंबर वाले सुशील कुमार ने तो काम किया है, लेकिन ज्ञानचंद ने कोई काम नहीं किया अभी तक। अच्छा, क्या जिस संपर्क की बात कहते हैं, हम कहते हैं पार्षद संपर्क में रहना। सुशील कुमार का तो स्टेटमेंट इस हॉस्पिटल के लिए काफ़ी प्रयत्नशील रहे हैं, और कई बार कम से कम 5-7 बार उनका आया भी है स्टेटमेंट, कि मतलब जनहित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बार बार सरकार से मांग की है कि मतलब जनता की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए इस अस्पताल को राजनीतिक मतलब दाव में नहीं लगाया जाए। हमारी भी यही उम्मीद है, यहाँ ये दिखाना हमारा ये मकसद था कि आखिर सिर्फ नाम की पट्टी के कारण, सिर्फ मेरा नाम इस पट्टी पर हो, इसके लिए 1 साल तक आम जनता जिस अस्पताल का इंतजार करती है उसको अटका दिया जाता है। चलते हैं वार्ड के और सफर पर। वार्ड नंबर 3 के सफर के बाद अब हम आ गए हैं वार्ड कार्यालय पे, और यहाँ वार्ड कार्यालय पे हमें मिले हैं यहाँ के जो पार्षद हैं, सुशील शर्मा जी हमारे साथ हैं। सुशील जी,
निर्दलीय चुनाव जीते हैं आप तो, है ना, दोनों पार्टियों को रखे, तो आपके लिए तो चैलेंज ज़्यादा होगा। बिल्कुल चैलेंज था साहब, और इस चैलेंज को पिछले 5 साल तक हमने भुगता भी है। 5 साल तक हम लगातार संघर्ष करते रहे हैं, और उस 5 साल में किसी पार्टी का नहीं होने का परिणाम ये रहा कि दोनों ही पार्टियों ने हमें तवज्जो नहीं दी। लेकिन उसके बाद भी लोगों का जनसमर्थन था, और मैं लगातार प्रयास करता रहा कि कैसे लोगों, जिन लोगों ने मेरे को वोट दिया है, क्योंकि जो पार्टियों से जीतते हैं वो पार्टी के लिए काम करते हैं या पार्टी के डायरेक्शन पर काम करते हैं। पार्टी जो निर्देश देती है कि आज आपको सदन चलने देना है कि नहीं चलने देना, लेकिन मेरा ये मानना था कि यदि हम सदन के अंदर कहीं जाते हैं और काम करते हैं तो जनता उसके बारे में क्या सोचती है, जनता ने अपने को निर्दलीय के रूप में वोट दिया है तो जनता के लिए हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे, और जनता क्या सोचेगी कि आज आप मीटिंग में गए। सुशील जी, पार्टियों से जीते लोग हैं, डेवलपमेंट होता है, उसके बीच में पूरे कार्यकाल के दौरान नगर निगम के कार्यकाल में आपको तो देखते रहे, आप चिल्लाते भी बहुत रहे, रोते भी रहे, हंगामे भी खूब किए आपने पूरे इस नगर निगम के कार्यकाल के दौरान। सर होता क्या है कि मैंने ये नोट किया है पिछले 4 साल में कि यदि वहाँ कोई अच्छी से अच्छी बात करो लेकिन उसका कवरेज नहीं मिलता, जनता को नहीं पता चलता कि हमारा पार्षद वहाँ गया करता क्या है। वहाँ कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना पड़ता था ताकि उस पर आपका मीडिया का फोकस हो और जनता को ये पता है कि हमारा पार्षद चिल्लाता रहा। पीड़ा मेरी ये थी कि दोनों ही पार्टियों ने तवज्जो नहीं दी, ना कांग्रेस दे रही थी, कांग्रेस के 26-27 पार्षद थे, बीजेपी के 46 पार्षद थे, हम 5 जो निर्दलीय थे उन 5 में भी 2-3 जो है पार्टी ज्वाइन कर ली, तो मैं तो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, और कई बार तो मेरे को मुर्गा तक भी बनना पड़ा सदन के अंदर कि कैसे हम जनता का ध्यान आकर्षित करें और ये बताएं कि हम बहुत पीड़ित हैं, और पीड़ित थे इस बात से तो छुपाई नहीं। इस पीड़ा के कारण या इन परेशानियों के कारण, दोनों बातें मैं कहूँगा, क्या आपको लगता है कि वार्ड में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए? नहीं सर, काम का तो यूँ है कि काम तो आदमी अपनी काबिलियत से कराता है। हम जो अफसर आए ना, जितने भी अफसर, मेरी बड़ी भारी इज्जत करते थे, जितने भी अफसर आए मैंने मेरी लाइजनिंग से अफसरों से काम कराया, और मेरा ये था कि किसी भी बड़े अधिकारी को या बड़े नेता को अपन को चिट्ठी देते हैं तो वो ऐसे उसको फाड़ के नहीं फेंकता, वो उसको ज़रूर उसके ऊपर कहीं ना कहीं पॉजिटिव लिख कर भिजवा देता है, लेकिन उसका फॉलोअप कैसा हुआ, आप उसका पीछा कैसे करें, आप उस काम के पीछे लग जाएं, कोई फाइल आपकी बनी आप उसको संभालते ही नहीं हो तो निश्चित रूप से रिपोर्टर नहीं होगा। और हम पीछे पड़े रहे, चाहे मेरे को खुद को चपड़ासी की तरह फाइल लिए लिए घूमना पड़ता हो, चाहे बाबू के पास जाना हो, रियो के पास जाना हो, कैश में जाना हो या अकाउंट्स में जाना हो, तो मैं खुद लिए। अधिकारियों को आप कहते हैं सहयोग मिला, लेकिन यहाँ एक विधायक है, एक महापौर थी, एक उप महापौर था, एक सांसद था, क्या इन लोगों के सहयोग आपको नहीं मिले? देखो सर, बात ऐसी है कि सांसद साहब का और मेयर साहब का टकराव रहा, और उस टकराव का हमने खामियाजा भी भुगता। महापौर जी के पास जब जब भी गए तो ऐसी बात नहीं कि मेरी फाइल को उन्होंने निकाला नहीं, लेकिन मेयर का किसी सीओ से बनी नहीं, और वो आरोप लगाती रही कोई ACB में शिकायत, कहीं कुछ वो भ्रष्ट है। तो मैंने एक दिन बहुत कड़े शब्दों में कह दिया था कि कपड़ों के अंदर हम सारे नंगे हैं, कपड़े हम इसलिए पहन रहे हैं कि आप हमारी इज्जत ढकी रहे, आप इस बात को बार बार ये मत कहो कि सारे भ्रष्ट हैं, हमें काम भी तो कराना, पब्लिक से वोट लेके आए हैं, पब्लिक को मतलब नहीं है कि आप वहाँ क्या कर रहे हो, पब्लिक का मतलब काम चाहिए उसको। सुशील जी, यही बात मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक को काम चाहिए, क्या आपके वार्ड में ये काम हुए? जिस साहब हुए, मैंने JDA से कराया, मेरा सौभाग्य ये रहा, सबसे बड़ा सौभाग्य ये रहा भाई साहब कि मेरा पूरा क्षेत्र JDA का है, और JDA ने कॉलोनी का नियमन किया है, तो निगम की हालत, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, मैंने JDA के आगे रोया जाके, मैंने JDA के अफसरों का साहब निगम की हालत ठीक नहीं है, और मैं पार्षद हूँ, रहेगी आपका, या तो आप करो नहीं, मैं यहाँ भी रामकिशोर व्यास भवन पे पेट्रोल लेके चढ़ रहा हूँ, तो अधिकारी है। मुझे ये लगता है कि ज़्यादातर आपके जो काम नहीं हो पाते आप उनको भावुकता में ले जाते हैं कि मेरे काम नहीं हो रहे, मैं पेट्रोल डाल लूँगा, मेरे काम नहीं हो रहे, मैं रोने लग गया, तो लोगों को लगता है आप भावुक ज़्यादा हैं, इसकी माफ़ कर देते हैं। नहीं, माफ़ नहीं सर, मैं बताऊँ, कोई भी अफसर काम करने में रुचि रहता है, और ये मान के चलो काम करेगा तो उसको फ़ायदा होगा, अफसर काम करना चाहता है, अफसर पैसे भी सेंक्शन करना चाहता है, लेकिन वो नेतागिरी नहीं चाहता, वो कहता है काम कराओ ना यार, अब आप दोस्त दिखा रहे हो, कभी MP की दिखा रहे हो, कभी MLA की दिखा रहे हो, आप उनसे रिक्वेस्ट करो साहब ये मेरी सड़क नहीं बनी, और आप बताओ साहब मैं क्या करूँ, तो वो कहता उनका प्रोसेस है ना, लंबा लाल फीता चाहिए ना, वहाँ अटक गया सब, कमिश्नर साहब के पास कौन जाए, तो हम जाएंगे कमिश्नर, आप तो फाइल बनाओ, आप बना के दो एस्टिमेट, हम ऊपर जाते हैं, हम लोगों से बात करते हैं। पर सुशील जी, आपका जो ये वार्ड है पूरा एक तरह से नई कॉलोनियों का वार्ड है और बनता हुआ वार्ड है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ये सब बिल्कुल चल रहा है, क्या यहाँ अतिक्रमण समस्या नहीं है? बहुत भयंकर समस्या अंदर के बाजारों में जी साहब, बहुत बड़ी समस्या अतिक्रमण। मैं आपको बताऊं कि हमारे आवासीय परिसरों में जितनी भी दुकानें बनी है JDA के अफसरों ने पैसे लेकर बनवाई है सारी की सारी, मेरा खुला आरोप। पर अब 4.5 साल आपको हो गए, इस विषय को हर मंच पर क्यों नहीं उठाया? नहीं, बहुत बार कहा है, आप मैं बताऊँ, जो शिकायत करते हैं ना, किसी की शिकायत करी कि आवासीय परिसर में मकान दुकान बन रही, शिकायत करी वो सीधी फिर दोबारा आ जाते हैं और आकर ये बता के जाते हैं क्षेत्रीय पार्षद से मिल के, आ भाई वो बार बार शिकायत कर रहा है, मेरे को वोट लेने हैं उनके,
तो मैं भी सिलेंडर हो जाता। तो क्या क्या ऐसा नहीं है कि इस इन सब में भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं है? बिल्कुल 100% है भ्रष्टाचार, खुले पैसे लिए। ये तो सुशील जी कहीं ना कहीं घूम फिर के आरोप आप पर भी आएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल साहब, एक मैं आपको कह रहा हूँ, राजनीति चीज ऐसी है कि राजनीति के अंदर आरोप लगते हैं, ये सफ़ेद कपड़े हम पहनते हैं ना इनमें दाग लगते हैं, लेकिन सच्चाई बहुत लंबी चलती है भाई साहब। आपने मेरा काम देखा है, मैंने जो काम किया वो आप मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं भले ही आरोप कितने भी लगे, सांच को आँच नहीं है, सत्य। अच्छा, साफ सफाई का क्या माहौल है वार्ड में, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक परेशानी है लोगों की? सर मैं बताऊँ, मेरे वार्ड की साफ सफाई में मैं तो खुद साफ करता हूँ, सुबह 4 बजे खुद मेरे प्रधानमंत्री जी तो आज कहने लगे हैं, और मैं तो खुद उठा लेता हूँ, पार्क में जाता हूँ, लोगों को साथ ले लेता हूँ, यार कचरा अपन उठाते हैं, मैं उठाता हूँ, लोग भी साथ लग जाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ की एक बड़ी समस्या, जो अस्पताल है बना हुआ है, करोड़ों का अस्पताल है, धूल खा रहा है, लोग ये कहते हैं कि अगर ये चालू हो जाता तो हमको सुविधाएं मिलती, आम आदमी के लिए बड़ा रिलीफ होता। देखो साहब, मैं 13 साल से इस अस्पताल बनाने के लिए लगा हुआ था, 2010-2002 को ज़मीन अलॉट हुई थी और लगातार लगा रहा, और JDA ने कहा कि हमने ज़मीन दे दी, हम हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाने का काम चिकित्सा विभाग का है। हमने उनसे प्रयास किया कि सब चिकित्सा और शिक्षा, ये दो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके पास में पैसा नहीं होता है, और आप करोड़ों के काम करते। तो फिर सुधांशु पंत साहब आए, एक IAS, और उन्होंने जलधारा चलाई, तब उनकी मुलाकात मेरी वहाँ हुई जलधारा पर। मैंने उनका सब करोड़ों रुपये का पानी में बहा दिया आपने, और एक हॉस्पिटल नहीं बना सकते मेरा, ये तो धर्म का काम है। तो उन्होंने कहा यार क्यों नहीं बना सकते, JDA वो सारे काम कर सकता है तो दुनिया में कोई डिपार्टमेंट नहीं करता, और उन्होंने सैंक्शन दी इसकी और बन के तैयार हो गया। पर बन के तो तैयार हो गया, लाभ किसी को नहीं मिल रहा। लाभ तो साहब वो राजनीति की भेंट चढ़ गया, नरपत सिंह जी, राजवीर विक्रम सिंह जी का आपस का कलेश था, नरपत सिंह जी का नाम नहीं था, उद्घाटन वाले दिन 2 अक्टूबर 2013 को गांधी जयंती के दिन उद्घाटन होना था, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा था, BJP के 10-20 लोग आए और उन्होंने हंगामा चालू कराने के लिए। क्या फिर कोई आप? बिल्कुल सर, मैंने तो आप तो वो आत्मदाह और हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी, मैंने इनको चैलेंज कर दिया है कि या तो इसको मेरे चुनाव से पहले चालू कर दो, आचार संहिता से पहले, यदि आप चालू नहीं करोगे तो मैं आत्मदाह भी कर सकता हूँ, आमरण अनशन भी कर सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। तो ये क्या चुनावी स्टंट माने या नहीं? चुनावी स्टंट नहीं है साहब, मैं आपको बताऊँ, और आप मेरे इसका स्टंट नहीं है, इसका असर भी पड़ा है। आज वसुंधरा जी आई थी पुलिया का उद्घाटन करने के लिए, उससे पहले चाबी दे गए मेरे को JDA वाले कि हॉस्पिटल की चाबी चालू कर लो, मरना मत, और वहाँ मैडम के सामने कुछ मिलना, क्योंकि 4-5 कल ही सस्पेंड हुए हैं। तो मतलब आपकी आपकी उपलब्धि और ये मानूं कि सबसे बड़ा जो लोग आपको याद रखेंगे, अगला चुनाव तो पता नहीं पार्टी से लड़ोगे निर्दलीय? नहीं सर, मैं ऐसा है कि मेरे को पार्टी की जरूरत ही नहीं है, मैंने इतना सारा काम कर दिया कि मेरे को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, मेरे को मैं लड़ूंगा नहीं तो लोग लड़ा देंगे मेरे को। चलिए, जयपुर शहर में घूमते हुए वार्ड नंबर तीन यानी मुरलीपुरा का हिस्सा, और पहली बार कम से कम एक पार्षद में एक कॉन्फिडेंस हमको देखने को मिला कि पार्टी लड़ाए या नहीं लड़ाए वो चुनाव लड़ेंगे, और उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो चुनाव जीतेंगे भी। वार्ड नंबर 3 से आज इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।